नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने भारत में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। संबित पात्रा ने कहा कि आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। अपनी इसी बात पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना भी साध दिया। उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बात हो रहा है। संबित पात्रा ने कहा कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, राहुल गांधी ये बात नहीं मानते। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं कि भारत एक समझौता है। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन परस्पर मित्रता चाहता है, लेकिन वो राष्ट्रवाद है। वहां पर येलो रिवर है, लेकिन उनको भारत में गंगा नहीं दिखाई देती। संबित पात्रा यहीं नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यात्रा के दौरान फोन की जासूसी के मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने आखिर क्यों अपना फोन जांच के लिए नहीं दिया और कैम्ब्रिज जाकर कह रहे हैं कि हमारे फोन की जासूसी होती है। विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारे देश में जासूसी हो रही है। एक सिख से बोले कि आप सिख हैं, एक मुस्लिम से पूछा कि आप मुस्लिम हैं, फिर वो बोलते हैं हिंदुस्तान में तो सिख और मुस्लिम सेकंड क्लास की कम्युनिटी है। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में राहुल गांधी सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनको तो वहां आतंकवाद भी नहीं दिखे। उनके मुताबिक विदेश में जाकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सही नहीं है। संबित पात्रा आगे कहते हैं कि राहुल जी, पहले आप ब्राइट बने और कोशिश करें, इंडिया अपने आप ब्राइट है। बंधु की तरफ हाथ करते हुए कहा उन्होंने कि आप तो सिख हैं, कि आप हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं हिंदुस्तान से हूं। फिर उन्होंने पूछा क्या आप मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा हाँ। क्या आप हिंदुस्तान से, कहा हाँ। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिख ईसाई और मुसलमान जो हैं वो तो सेकेंड क्लास सिटीजन है, वो तो दुयम दर्जे के नागरिक हैं। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ इंडिया, राहुल गांधी और गांधी परिवार किस कद तक नीचे गिर सकता है, कहां तक ये जा सकते हैं, मुझे आज सोचने के लिए मजबूर किया है वो एक घंटे के स्पीच ने राहुल गांधी का। इज मिस्टर गांधी एक्टिंग एज अ एजेंट? हिंदुस्तान को नीचे गिराने के लिए अगर कोई एजेंसी काम कर रही है, उस एजेंसी के एजेंट के रूप में कहीं राहुल गांधी ऑन पेरोल काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछे हैं ये गंभीर है और ये सवाल खत्म नहीं हुए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड राउज वेनी कोर्ट ने 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई 10 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। ऐसे में मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही कटेगी। होली का त्यौहार 8 मार्च को है। इस बीच सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि होली का त्यौहार मेरे लिए भी है, मुझे बेल दीजिए, मैं 9 मार्च को फिर वापस आने को तैयार हूँ। इसके अलावा सीबीआई रिमांड को लेकर शनिवार को ही सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि एजेंसी बार बार एक ही सवाल पूछ रही है और ये मानसिक प्रताड़ना है। उन्होंने अदालत से कहा कि वे थर्ड डिग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन 8 से 9 घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार बार जवाब देना वो भी मानसिक उत्पीड़न है। इस बीच कोर्ट ने सीबीआई को नियमित अंतराल पर सिसोदिया की मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करा था। सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद सीबीआई ने 27 फरवरी को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई के रिमांड में भेज दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। मनीष सिसोदिया की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है। भारतीय सेना ने चीन बॉर्डर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर निगरानी बढ़ा दी है।
कुछ खबरों की माने तो लद्दाख में तैनात सेना के जवान गलवान घाटी और आसपास के इलाकों में घोड़ों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सामान ढोने के लिए खच्चरों को भी इन इलाकों में ले जाया जा रहा है। इधर सेना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सैनिक गलवान इलाकों में क्रिकेट और आइस हॉकी खेल रहे हैं। भारतीय सेना ने इन जगहों के नाम नहीं बताए, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये वही जगह है जहां 15 से 16 जून 2020 की रात में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट हैं। कुछ खबरों की माने तो बेहद ऊंचाई वाले इन क्षेत्रों में तैनात सैनिक टुकड़ियां सर्दियों के दौरान कई गेम्स ऑर्गेनाइज करती हैं। इसे सैनिकों की फिटनेस बरकरार रखने की एक्सरसाइज बताया जाता है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जौनवी कोर ने शेयर की है सेना के लेह स्थित। उन्होंने लिखा कि पटियाला ब्रिगेड त्रिशूर डिवीजन ने पूरे उत्साह और शौर्य के साथ शून्य से नीचे के तापमान और बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब असंभव को संभव बनाते हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले का एक्शन लगातार जारी है। लगातार चौथे दिन भी बुलडोजर से अतिक अहमद के करीबियों के घरों को तोड़ा गया। सरकारी अमले ने शुक्रवार को ही माफिया अतिक अहमद के मददगार कहे जाने वाले माशुद्दीन के आलिशान आशियाने को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया था। शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर असरौली इलाके में 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आलिशान मकान तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। माशुक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आरोप है कि माशुक माफिया अतिक अहमद का करीबी है, उसके गिरोह को फंडिंग का काम करता है। माशुक अहमद ग्राम प्रधान भी रह चुका है। सरकारी अमले ने 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन से इस आलिशान मकान को करीब 2.25 घंटे में मलबे में तब्दील कर दिया। ये आलिशान मकान हाल ही में बनाया गया था और अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। 12 मार्च को गृह प्रवेश होना था। आरोप है कि माशूक ने विकास प्राधिकरण से मंजूरी लिए बिना इस मकान का निर्माण किया। इसका नक्शा पास नहीं कराया गया। हालांकि नक्शे के लिए आवेदन जरूर किया गया था, लेकिन प्राधिकरण ने उसे नामंजूर कर दिया। प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक पड़ोस में ही एयरफोर्स का ट्रांसमिशन और रडार स्टेशन है। इस वजह से एयरफोर्स ने इस मकान के निर्माण पर आपत्ति की थी, जिसके चलते माशूक के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। नोएडा में कंपनी के निर्मित कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में कथित रूप से 18 बच्चों की मौत के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली फेज 3 पुलिस ने गाजियाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर आशीष की शिकायत पर कंपनी मेरियम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद कंपनी के ऑपरेशन हेड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कंपनी के मालिक और मालकिन को फरार बताया जा रहा है। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मेरियम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन हेड तुहिन भट्टाचार्य, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट अतुल रावल और उनके बेटे को B-48 सेक्टर 67 से गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद के इंस्पेक्टर आशीष के लिए दवा सैंपल के नमूनों के मानकों पर खरा न पाए जाने की शिकायत के बाद की गई है। उत्तर प्रदेश में सुभाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयानों की चर्चा अक्सर होती रहती है। बीते दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले सुभाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें काफी तेजी से चल रही थी और कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई थी, जिसके बाद ये कहा गया कि ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ओपी राजभर ने भी इसके संकेत दिए थे, लेकिन अब उनका खास लगाव बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए नजर आने लगा है। कभी अखिलेश यादव, कभी बीजेपी के साथ दिखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब अपने लिए स्थायी जगह खोज रहे हैं। बीते दिनों सुभाजपा प्रमुख बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब वो बीएसपी और मायावती की तारीफ करने लग गए हैं। उन्होंने मायावती की सरकार को सबसे बेहतर बताया, जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा का दरवाजा राजभर के लिए खुलेगा या नहीं। दिल्ली लीकर स्कैम को लेकर देश की राजधानी में आप और बीजेपी में जारी घमासान के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को अपने वादों के अनुरूप बहुत जल्द कूड़े के पहाड़ से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 तक दिल्ली कूड़ा मुक्त हो जाएगी। दरअसल इस बात का दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को महापौर शैली ओबराय के साथ ओखला स्थित लैंडफिल साइट का दौरा करने के बाद किया। उन्होंने दावा किया है कि मकसद दिसंबर 2024 तक दिल्ली को कूड़े के साथ 3 पहाड़ों से मुक्ति दिलाना है। यहाँ पर तीनों पहाड़ से मतलब गाजीपुर लैंडफिल साइट, बलसवा डेयरी और ओखला लैंडफिल साइट से है। दरअसल इस बात का दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को किया है, जहां पर निरीक्षण के लिए गए थे। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर लगातार जब नगर निगम के चुनाव हुए थे दिल्ली में, उसको बनाया गया था और लगातार बीजेपी पर आरोप भी लगाए गए थे। कई वादे और दावे
अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए थे। ऐसे में अब उन दावों को, उन वादों को पूरा करने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मई 2024 तक दिल्ली सरकार का लक्ष्य ओखला लैंडफिल साइट के कूड़े को खत्म करने का है। दिल्ली सरकार कूड़ा निपटाने की क्षमता बढ़ाकर समस्या का समाधान दिसंबर 2023 तक कर देंगे। ओखला लैंडफिल साइट दौरे के समय अरविंद केजरीवाल ने वहां कूड़े के निपटाने के लिए लगाई गई बायो माइनिंग मशीन का काम भी देखा है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अभी हम लोग ओखला लैंडफिल साइट पे खड़े हैं। हमारे पीछे ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, आप लोग देख रहे हैं। और लगभग 26 साल पहले ये कूड़े का 26 साल से बन रहा है कूड़े का पहाड़। 26 साल पहले बनना शुरू हुआ था ये लैंडफिल साइट, जब से कूड़ा दिल्ली का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। आज की डेट में इस पे लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। 2019 से यहाँ पे कूड़ा उठना धीरे धीरे चालू हुआ था। अभी तक यहाँ से 20-25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है, लेकिन 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। इसका टारगेट तो है अगले साल मई तक इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।